मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, पकिया का कैरेक्टर मैं ही कर रहा हूँ। बाकी अजय देवगन और तब्बू की जो केमिस्ट्री है इसमें, मतलब एक बार तो आंख में आंसू आ ही जाता है, एक बार नहीं बार बार। काफी इमोशनल फिल्म है, मतलब प्यार के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। प्यार में मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली लेना ही है, मतलब दे और भूल जाओ, मतलब जिसके लिए प्यार करते हो तुम। एक बहुत ही प्यारी सी एक क्यूट लव स्टोरी है। यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ये पकिया का कैरेक्टर, लाइक लगा कि इंडस्ट्री में कुछ नया सा आया है। तो अजय सर और तब्बू मैम की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी आपको? बहुत बढ़िया, कमाल के, वो तो बाकमाल एक्टर है, बाकमाल उनकी जोड़ी है जिस तरह से। और फिर जिम्मी सर का जो रोल है, बहुत प्यारा रोल किया उन्होंने यार, मजा आ गया फिल्म देख के। रिलेशनशिप को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी मायने रखती है, तो आपके दिल को छू जाएगी। अजय सर के साथ आपने काम किया तो वो कैसा लगा? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। जाइए आप लोग भी देखिए। हमने तो 5 में 5 दिया है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली। तो औरों में कहां दम था रिलीज हो चुकी है, और मैं आ चुका हूं लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें ये फिल्म कैसी लग रही है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो सर आपने औरों में कहां दम थी देखी, कैसी लगी आपको? मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूं, पकिया का कैरेक्टर मैं ही कर रहा हूं। ये भाई हमारे जो है ये उसमें एक्टर थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया। बहुत आपको थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कैसी लगी औरों में कहां दम था? सर बहुत अच्छी लगी फिल्म, मजा आ गया फिल्म देख के, काफी अच्छा लग रहा है और काफी इमोशनल फिल्म है। मतलब प्यार के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। प्यार में मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली लेना ही है, मतलब दे और भूल जाओ, मतलब जिसके लिए प्यार करते हो तुम उसके लिए प्यार करो और मतलब भूल जाओ उसके लिए, वो खुश रहे, मतलब ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। हम लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, और हम लोगों के साथ में जो हमारे फ्रेंड है वो हमारे साथ में जो एक्टर हैं उसी अजय देवगन के साथ में, तब्बू के साथ में जो रोल कर रहे हैं साथ में विलन का, उसके साथ में हम लोग देख के आए ये रोल। और मतलब मूवी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छी है, ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है। और काफ़ी टाइम के बाद में ऐसी एक मूवी हम लोगों को देखने मिली जो ऑडियंस में मतलब एक अलग वेराइटी लेके आती है, अलग जॉनर लेके आती है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा एक्शन सीक्वेंस और वो सब चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही प्यारी सी एक क्यूट लव स्टोरी है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छा स्क्रीन पे लिखा गया है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी की गई, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा काम है, ठीक सी लगी। फिल्म में तब्बू और अजय सर की एक्टिंग कैसी लगी? अजय देवगन के लिए तो कुछ कहना, और तब्बू के लिए लाइक बहुत फिल्म देखी है, लेकिन जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये पकिया का कैरेक्टर, लाइक लगा कि इंडस्ट्री में कुछ नया सा आया है, और हम देख मतलब एक उम्मीद सा लगता है, और कुछ लुक्स वगैरह नवाज वाली फीलिंग आ रही है। मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टर मेरे फेवरेट है, इन्होंने बहुत ही सोशली रेलिवेंट थॉट प्रोवोकिंग की मूवीज़ बनाई हैं, जैसे वेंसडे, स्पेशल 26, रुस्तम मूवी प्रोड्यूस की थी इन्होंने, और उससे पहले MS धोनी। तो बहुत आशाएँ थी उनसे, और आशाओं पर बहुत ज़्यादा खरी उभरी, क्योंकि मूवी की स्टोरी ट्रू लव के ऊपर है कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपना लाइफ, अपना करियर, रिलेशनशिप को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी मायने रखती है, तो आपके दिल को छू जाएगी। यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो अजय सर और तब्बू मैम की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी आपको? बहुत बढ़िया, कमाल के, वो तो बाकमाल एक्टर है, बाकमाल उनकी जोड़ी है। तो अजय सर के साथ आपने काम किया तो वो कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था, और मतलब जिनको TV पे देखा है बचपन से लेके अभी तक, वो जब उनके साथ काम कर रहा था तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो सर मूवी की डायरेक्शन कैसी थी नीरज पांडे सर की? सर डायरेक्शन बहुत प्यारा है, नीरज पांडे सर बहुत लेजेंड डायरेक्टर है, मजा आ गया उनके डायरेक्शन में। मैंने भी मतलब एक छोटा सा रोल किया उसमें, मैं एक एक्टर हूँ, और मेरी एक फिल्म आएगी 30 तारीख को, और वेडिंग स्टोरी। बहुत ही अच्छा नीरज सर का डायरेक्शन, मतलब क्या ही कहने उनके तो, मतलब बहुत मजा आया उनके साथ काम, वो जो उन्होंने काम किया है वो काम देख के बहुत मजा आता, लगता है कि हाँ चलो उन्होंने मतलब कुछ बहुत दिनों बाद ऑडियंस को कुछ अच्छा दिया है इस सिनेमा में। तो अगर फिल्म की डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसी लगी आप? डायरेक्शन नीरज पांडे की जो और बाकी फिल्में देखी है वो इससे अच्छी है, लाइक मुझे डायरेक्शन नहीं ठीक सी लगी। तो ये तब्बू मैम और अजय सर की 10वीं फिल्म थी साथ में, तो इनकी केमिस्ट्री कैसी लग रही थी ऑन स्क्रीन? देखिए तब्बू तो है ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस, शी हैज़ डन अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स एंड शी हैज़ ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स, एंड वहीं अजय देवगन जी ने भी 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, तो वो तो उनकी केमिस्ट्री तो मतलब हम लोग देखते आए 90 से, और बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री है दोनों की। और उसके साथ साथ मुझे इस मूवी में शंतनु महेश्वरी और साई मांजरेकर, जो महेश मांजरेकर की बेटी हैं, उनकी भी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी, और गंगूबाई काठियावाड़ में भी उनका बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल था,
तो वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर है, बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, बहुत ही नेचुरल है, और जैसे ऐसे मतलब प्यार इतना एफर्टलेसली दिखाया गया है, कहीं कोई बनावट नहीं है, इट डजेंट लुक फेक और आर्टिफिशियल, और आप रिलेट कर पाएंगे, वेरी रिलेटेबल। और मेन बात हाईलाइट है मूवी की सिनेमेटोग्राफी, इसकी सिनेमेटोग्राफी है सुधीर पलसने, उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, गाने बहुत ही अच्छे हैं, जैसे ए दिल जरा या फिर टाइटल ट्रैक या और भी बहुत सारे गाने। M.M. केरावनी जो साउथ के रिनाउंड कंपोज़र है, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, तेलुगु सिनेमा के रिनाउंड म्यूज़िक कंपोज़र है, और एडिटिंग शार्प है, 2.25 घंटे की मूवी कहीं स्ट्रेच नहीं किया। तो प्रवीण कथिकुलोट जिसके एडिटर, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। बाकी मूवी लोगों को बहुत पसंद आई, देर वॉज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एट द एंड बिकॉज इट वॉज मेड बाय नन अदर देन नीरज पांडे। तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे नीरज पांडे, तो आपको नीरज पांडे ने भी सर ने कुछ नहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? वो बहुत ही कमाल के मतलब एक अलग तरह के डायरेक्टर हैं, तो बहुत ही मिनिमल आपको इनपुट देते हैं, लेकिन उसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोप मिलता है एज एन एक्टर काम करने के लिए। अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं, आप समझदार हैं, तो काफ़ी मज़ेदार रहता है उनके साथ काम करना, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। तो बहुत प्यारा है, केमिस्ट्री अच्छा लगा है। अजय सर तो लेजेंड एक्टर है, और तब्बू मैम भी बहुत मतलब कमाल एक्टर है जिस तरह से, और फिर जिम्मी सर का जो रोल है बहुत प्यारा रोल किया उन्होंने यार, मज़ा आ गया फिल्म देख के। मतलब मैं जब वो एंड में जब अजय सर और वो जाते हैं क्या नाम से, तब्बू मैम जाती है, अभी रोना आ रहा है मुझे, अभी भी मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है। वो केमिस्ट्री वो आपको पता चलता है स्क्रीन पे कि आप जब जब उनको देखते हो वो उतनी और ग्रो होते जा रही हो, और देखते जा रहे हो, आपको लगता है कि आप इसको और देखोगे तो और ज़्यादा मतलब आपको समझ में आती जाएगी। वो ऐसा है कि इट्स ग्रोइंग मोर एंड मोर मोर एंड मोर, वो केमिस्ट्री जो है आपको कैमरे पे देख के पता चलता है कि ये केमिस्ट्री अब मतलब सिर्फ ऑन स्क्रीन वाली नहीं, बहुत दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, वो दोनों के अंदर एक इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की केमिस्ट्री जो है वो दिखती है पर्दे पे, बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो जिमी सर भी थे इस फिल्म में, तो जिमी सर की एक्टिंग कैसी लगी? उनका छोटा रोल था बट ही वॉज़ वेरी गुड इन हिज रोल, मतलब कहीं भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना रोल पोर्ट्रे किया, लाइक ही इज़ ऑलवेज फैबुलस इज़ ऑलवेज। और उसके साथ साथ मुझे एक सयाजी शिंदे एक एक्टर, उनका भी एक छोटा सा रोल था, इवन ही वॉज़ वेरी गुड। तो मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज आई वुड से, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो एज अ ऑडियंस आप फिल्म को आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 4 जी। आपकी फिल्म मेरी फिल्म है तो जाइए आप लोग भी देखिए। हमने तो 5 में 5 दिया है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली। इनका रोल काबिले दाद है, कोई सवाल नहीं है। बाकी अजय देवगन और तब्बू की जो केमिस्ट्री है इसमें, मतलब एक बार तो आँख में आंसू आ ही जाता है, एक बार नहीं बार बार। और ट्रू लव क्या होता है वो बताया है, और न्यू जनरेशन को आज ये सीख रहा है कि ट्रू लव ये होता है। तो डायरेक्शन कैसा लगा सर आपको? डायरेक्शन A1 जो अब स्पेशल 26 और वेडनेसडे और हम लोग देखे हैं, उससे भी अच्छा लगा हमको, तो बहुत बढ़िया लगा। आपने कितना रेट किया फिल्म को? 5 में 5 दिया, क्या कि दिल को और दिमाग को सुकून मिला इतनी अच्छी मूवी देख के। बहुत देखिए, मार धाड़ कुछ सेक्स बैक्स कुछ भी नहीं, एकदम प्योर वेजिटेरियन बोलते हैं ना वो पिक्चर है, तो अच्छी लगेगी ना। फिल्म को अब आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 3.5 2.5 मैं तो 10 out of 10 दूंगा। सभी लोगों का एक्शन, सभी लोगों का एक्टिंग, सभी लोगों का जो है स्क्रीन प्ले बोलो आप, डायरेक्शन बोलो, एक्टिंग बोलो, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट की गई है, बहुत ही अच्छा आर्ट था इसमें, तो वो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को। आप फिल्म को आउट ऑफ 5 रेट कितना करोगे? आई विल गिव इट 3.5। बीच में थोड़ी सी स्लो पेस्ड हो जाए, आप बोर नहीं होंगे, बट 3.5 इज प्रीटी गुड रेटिंग एंड आई लव द मूवी। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि लोगों को तो औरों में कहां दम था, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, बट आप जाओ ये फिल्म देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल।